सिंगरौली जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत आज केशो नगर बैढ़न में व्यापारियों एवं आम जनता के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होने के समर्थन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर नागरिकता संशोधन बिल के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया एवं जनता की राय ली गई और यह जन जागरूकता अभियान के माध्यम से घर घर CAA को पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। यह कार्यक्रम 10 जनवरी 2020 चलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जिले के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने की एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्रीमती रीति पाठक उपस्थित रही एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सिंगरौली विधानसभा के विधायक राम लल्लू बैस, देवसर विधानसभा के विधायक सुभाष वर्मा उपस्थित रहे, साथ ही राजा राम अभिलाष जैन सहित नगर के वरिष्ठ नेता एवं व्यापारी बंधुओं की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली प्रदेश के आह्वान पर हम जो अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत हम लोग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एक सघन आम जनमानस के बीच में इस संशोधन बिल के बारे में बता रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने जन जागरण के रूप में घर घर जाकर के अपने प्रत्येक मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को जो कि घर घर जा रहे हैं और लोगों के बीच में इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को जो विस्तृत जानकारी है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोगों ने प्रबुद्ध जन हस्ताक्षर अभियान चलाया है जिसमें कि हम वहाँ के प्रबुद्ध जनों से उस हस्ताक्षर करा करके उसको उसकी प्रति हम प्रदेश कार्यालय को सौंपेंगे और प्रदेश के द्वारा वह महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इसके अलावा कुछ हमारी प्रबुद्ध जन संगोष्ठियां हैं और साथ ही साथ हम वार्ड पंचायत स्तर पर हम लोग छोटी छोटी गोष्ठियां भी परिवार के लोगों के बीच में जाकर के कर रहे हैं, जिसमें कि हम सब लोग यह विशेष रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि इस एक्ट में लोगों ने देखा भी होगा कि यह नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिक के अधिकार को देने की बात कही गई है, न कि किसी के अधिकार को छीनने की बात कही गई है। जैसा कि हमारे देश से जब देश आजाद होने के बाद जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा था उस समय में ऐसे हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन और पारसी धर्म के मानने वाले लोग जो कि पाकिस्तान चले गए थे और सन 1971 में उसी पाकिस्तान का एक टुकड़ा बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना, तो वहां पर जो अल्पसंख्यक के रूप में इन धर्मों के लोग जो वहां निवास करते थे, वहां की प्रताड़ना प्रताड़ित होकर के वहां की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के इस देश को वापस चले आए थे और यहां पर अवैध प्रवासी के रूप में या शरणार्थी के रूप में यहां पर रह रहे थे, उनको भारत की भारतीय संस्कृति के अनुसार जैसा कि हमारे पूज्य 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश का नागरिक जो कि इस देश के बंटवारे के बाद किसी पाकिस्तान में चला गया है और वो अगर स्वेच्छा से अगर हमारे देश में आना चाहता है तो भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसे उसका उस व्यक्ति के ऊपर विशेष ध्यान रखे, उसके जीवन यापन का ध्यान रखे और उसको पुनर्वास की यहां पर स्थापना उसको स्थापित भी करे। उस 1950 से या कोई संविधान जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आप लोगों ने अभी सुना है ये सन 1950 से इसमें कई बार यह बातें आ रही थी कि इस तरह के लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए। इसके लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये एक अनूठा प्रयास था जिसमें कि 31 दिसंबर 2014 तक जो व्यक्ति इस 6 धर्मों का जो कि यहाँ पर दूसरे देश में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहा था और वो अपने भारतवर्ष में आया और किसी वीजा को लेकर के आया था, उसके वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी लेकिन वो यहाँ पर हमारे देश में शरणार्थी के रूप में रह रहा था, आज इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के बिल आने के बाद वैसे शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। यह देश के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है
और इसमें मैं अपने सिंगरौली जिले के वासियों से यह अपील करता हूँ कि आप सब लोग इस बात को समझें और समझ करके अपने पड़ोसियों को समझाएं, ताकि जो विभिन्न तरह की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं वह भ्रांतियां खत्म हो सके। जहां तक कि मुस्लिम समुदाय की बात है, इसमें मुस्लिम समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समुदाय हमारे भारतवर्ष के जो भी यहां पर लोग रहते थे वह भारतवर्ष के नागरिक थे और वो नागरिक रहेंगे। हम ऐसे लोगों को जो कि हमारे दूसरे पाकिस्तान में जो चले गए थे, बांग्लादेश में चले गए थे, अफगानिस्तान में चले गए थे, ऐसे लोगों को हम लोग नागरिकता इस नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम के तहत में देने जा रहे हैं।